होते होते नमस्कार डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आचल गुलाटी गुंबर और आगे बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों की तरफ। अंतिम चरण के चुनाव प्रचार में आज से आएगी और तेजी। प्रधानमंत्री हिमाचल और पंजाब में बढ़ाएंगे सियासी पारा। अमित शाह बिहार झारखंड जेपी नड्डा समेत योगी आदित्यनाथ और तमाम दिग्गज उत्तर प्रदेश में संभालेंगे कमान। प्रचार युद्ध में विपक्षी दलों ने भी कमर कसी। सचिन पायलट और मायावती आज पंजाब में करेंगे अपने अपनी पार्टी के लिए प्रचार। अखिलेश और तेजस्वी समेत बाकी दलों के नेता भी नई रणनीति के साथ उतरेंगे मैदान में। दिल्ली शराब नीति घोटाले में आरोपी बीआरएस नेता के कविता की जमानत पर दिल्ली हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। कोर्ट ने ईडी और सीबीआई से मांगा था जवाब। राजस्थान में भीषण गर्मी से हाहाकार, 8 लोगों की मौत। बाड़मेर में सबसे अधिक 48.8 डिग्री तापमान दर्ज। गुजरात मध्य प्रदेश यूपी हरियाणा पंजाब के कई शहरों में भी पारा 45 से 46 डिग्री के पार। अगले कुछ दिनों तक भयंकर लू चलने की चेतावनी। और आज होगा आईपीएल में दूसरे फाइनलिस्ट का फैसला। क्वालिफाइड टू में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स के साथ। फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स से भिड़ेगी विजेता टीम। और खबरों में सबसे पहले बात करते हैं 24 की चुनौती से जुड़ी हुई। एक तरफ जहां छठे चरण के चुनाव प्रचार को अगर हम देखें तो वो थम चुका है, वहीं सातवें और अंतिम चरण के लिए चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। बीजेपी के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री आज 4 रैलियां करने वाले हैं। प्रधानमंत्री आज हिमाचल प्रदेश और पंजाब के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिमला में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री शिमला संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुरेश कश्यप के लिए वोट मांगेंगे। शिमला से इस बार सुरेश कश्यप दूसरी बार चुनावी रण में हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री मंडी से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रणावत के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। हिमाचल की 4 सीटों पर मतदान सातवें चरण के तहत 1 जून को होना है। प्रधानमंत्री इसके बाद पंजाब जाएंगे। पंजाब में सबसे पहले प्रधानमंत्री गुरदासपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। लोकसभा क्षेत्र गुरदासपुर से भाजपा उम्मीदवार दिनेश सिंह बब्बू के समर्थन में मतदाताओं से वोट की अपील करेंगे। और इसके बाद प्रधानमंत्री जालंधर में बीजेपी उम्मीदवार सुशील कुमार रिंकू के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने एक निजी चैनल को दिए गए साक्षात्कार में विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। आर्टिकल 370 हटाने के करीब 5 साल बाद प्रधानमंत्री ने इस पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि धारा 370 हटाने पर दुनिया के सभी इस्लामिक देश तो खामोश रहे, लेकिन देश की कांग्रेस चू चू करती रही। जब भी कश्मीर की बात आती थी तो 70 साल तक इसको इंटरनेशनलाइज किया गया। दुनिया का हर देश कश्मीर के मुद्दे पर भारत को कटघरे में खड़ा करता था। थोड़ी बहुत अटल जी ने कोशिश की थी कि टेररिज्म को सेंटर पॉइंट लाए, लेकिन कुल मिलाकर के दुनिया में, और इसलिए 370 के संबंध में भी ये स्वाभाविक था कि दुनिया कोई बहुत बड़ा नाराजगी व्यक्त करेगी। हुआ उल्टा। दुनिया ने जितने देशों को लोग मानते थे कि इन मुद्दों पर भारत पर वो नाराजगी व्यक्त कर सकते हैं, भारत को घेर सकते हैं, अधिकतम लोग मौन रहे। जिन्होंने कहा वो ये कहा कि ये उनका इंटरनल मामला है। दुर्भाग्य ये है कि अरब देश तो शांत रहे,
दुनिया के सभी इस्लामिक देश शांत रहे, मेरे देश की कांग्रेस चू चू करती रही। ये मेरे दिमाग में नहीं बैठ रहा है। ये इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसी मानसिक विकृतियों से भरी पड़ी हुई इनकी सोच है, दुनिया ने, और अच्छा 370 के बाद में दुनिया के कई इस्लामिक देशों में बहुत बड़ा सम्मान प्राप्त करके आया, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। 370 के बाद मेरे 8 लोगों को, मेरे देशवासियों को फांसी हुई थी। 370 के बाद की घटना है, उनको जिंदा वापस लेके आ गए। विदेश नीति के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले दूरी बनाने की विदेश नीति थी, अब नजदीकी बढ़ाने की नीति है। उन्होंने कहा कि दुनिया से भारत की नजदीकियां बढ़ी हैं। मुझे लगता है कि उस समय जो मूलभूत सोच रही थी वो ये थी, इक्वल डिस्टेंस वाली, यानी हम सबसे इक्वल डिस्टेंस बना करके रहते हैं, दूरी बनाना ये मानदंड था। मैंने आकर के इसको बदला, हम दुनिया से जितनी हो सके उतनी नजदीकी करेंगे, डिस्टेंस वाला शब्द ही मैंने निकाल दिया। इससे क्या हुआ कि किसी को लगता है वो मिस्टर ए आगे गया, तो बी को लगता है यार मैं रह गया तो वो भी आगे आता है, फिर इधर से सी को लगा कि मोदी के पास वो तो पहुंच गया, यार मैं रह गया तो इधर वाला डी आता है, तो सब लोगों के अब लगता है कि हिंदुस्तान के पास जाना चाहिए। और आखिरी चरण के चुनाव के लिए बीजेपी के बाकी तमाम दिग्गज नेता भी एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। पार्टी के स्टार प्रचारक और केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज बिहार और झारखंड में चुनावी प्रचार करेंगे। सबसे पहले अमित शाह बिहार के आरा में भाजपा उम्मीदवार आर के सिंह के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर बाद अमित शाह झारखंड पहुंचेंगे, यहाँ वो करीब 2:30 बजे जामताड़ा के मेझिया मैदान में जनसभा करेंगे। वहीं गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के मधुपुर स्थित रेलवे फुटबॉल मैदान में शाम 4 बजे विशाल जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। खुद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उत्तर प्रदेश में 3 रैलियां कर भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास करेंगे। नड्डा सबसे पहले कुशीनगर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे, वहीं दोपहर बाद 3 बजे बलिया में ताल ठोकेंगे, उसके बाद शाम 5 बजे रॉबर्ट्सगंज में चुनावी प्रचार करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता योगी आदित्यनाथ भी ताबड़तोड़ रैलियां कर पार्टी की जीत को सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। योगी आज देवरिया, महाराजगंज और अपने गृह जिले गोरखपुर में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के लिए सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। विपक्षी दल आखिरी चरण में जनता को अपने पक्ष में करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। पंजाब में बसपा सुप्रीमो मायावती आज एक जनसभा को संबोधित करेंगी और जनता से बसपा के पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगी। वहीं कांग्रेस नेता सचिन पायलट पंजाब के अनंगपुर साहिब सीट पर चुनावी प्रचार करेंगे। ये सीट साल 2019 में कांग्रेस ने ही जीती थी। पंजाब की सभी 13 सीटों पर 7वें चरण में 1 जून को ही मतदान होना है। यूपी के पूर्वांचल में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनावी प्रचार की कमान संभालेंगे और बिहार में तेजस्वी यादव आरजेडी के लिए चुनावी प्रचार करेंगे और मतदाताओं से एनडी गठबंधन के पक्ष में मतदान की अपील। लोकसभा चुनाव के 6वें चरण के तहत कल वोट डाले जाने हैं। इस दौर में जिन सीटों पर मतदान होना है उनमें सबसे ज्यादा सीटें यानी कि 14 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश की हैं। 6वें दौर में 25 मई को 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 58 सीटों पर वोटिंग होनी है। इसमें जम्मू कश्मीर का अनंतनाग राजौरी संसदीय क्षेत्र भी है, जहां मतदान 3रे चरण की बजाय 6वें चरण के लिए स्थगित कर दिया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी, भोजपुरी कलाकार मनोज तिवारी, निरहुआ जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और मनोहर लाल समेत कई केंद्रीय मंत्रियों की किस्मत का फैसला इसी चरण में ईवीएम में बंद हो जाएगा। 6वें चरण में जिन सीटों पर मतदान होना है उनमें उत्तर प्रदेश की 14, हरियाणा की सभी 10, बिहार और पश्चिम बंगाल की 8-8, दिल्ली की सभी 7, ओडिशा की 6, झारखंड की 4 सीटें शामिल हैं। वहीं सबसे कम जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर भी वोट डाले जाएंगे।
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की वेकेशन बेंच आज चुनाव आयोग की वेबसाइट पर फॉर्म 17C डेटा अपलोड करने के साथ बूथ वाइज वोटिंग डेटा अपलोड करने की मांग वाली ADR की याचिका पर सुनवाई करने वाली है। NGO एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने मांग की है कि मतदान के 48 घंटे के भीतर चुनाव आयोग वोटिंग प्रतिशत का डेटा बूथ वाइज अपनी वेबसाइट पर अपलोड करे। 22 मई को ही सुनवाई में आयोग ने NGO की मांग का विरोध किया था। कोर्ट में दाखिल एफिडेविट में कहा गया कि फॉर्म 17C के आधार पर वोटिंग डेटा का खुलासा करने से मतदाताओं के बीच भ्रम पैदा होगा, क्योंकि इसमें बैलेट पेपर की गिनती भी शामिल होगी। और अब बात करते हैं बिहार की पाटलिपुत्र लोकसभा सीट की, जो कि हॉट सीटों में शुमार है। इस बार रामकृपाल यादव भाजपा की तरफ से चुनावी मैदान में है, तो लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती RJD से चुनावी मैदान में ताल ठोक रही हैं। क्या कहते हैं पाटलिपुत्र के चुनावी समीकरण, देखिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कुमार आलो की इस खास रिपोर्ट के जरिए। बिहार की पाटलिपुत्र लोकसभा सीट हॉट सीटों में शुमार है। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट साल 2008 में परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई। यहां पर 3 लोकसभा चुनाव हुए हैं और तीनों ही चुनाव में NDA के उम्मीदवार ही जीतते आए हैं। पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से भाजपा ने अपने मौजूदा सांसद रामकृपाल यादव को तीसरी बार चुनाव मैदान में उतारा है। यहाँ उनका मुकाबला RJD की प्रत्याशी और लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती से होगा। 2 बार से लगातार पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए रामकृपाल यादव पहले कभी लालू यादव के करीबी माने जाते थे, लेकिन साल 2014 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले RJD से टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने भाजपा का दामन थामा था। पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार के तौर पर रामकृपाल यादव मीसा भारती को मात देते हुए संसद पहुंचे थे। इस बार रामकृपाल यादव PM मोदी के विकसित भारत के मंत्र को लेकर एक बार फिर अपनी जीत का दावा करते नजर आ रहे हैं। लगातार 10 साल के दरमियान जो डबल इंजन की सरकार है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है और कोई ऐसा परिवार नहीं है जहां विकास की किरण न गई हो। मैं पूछना चाहता हूं प्रतिद्वंदी से कि पूरे 10 साल से यहां हमसे 50,000-40,000 कम वोट मिल रहा है, मगर वोट तो मिलता है इस इलाके में जहां बड़े पैमाने पर उनको समर्थकों ने वोट किया, जनता ने वोट किया। कभी उनके आँख को दर्द को आँख के पूछने एक विकास का काम बता दे, एक 10 साल में एक और एक कार्यकर्ता का नाम बता दें, आम जनता की बात छोड़िए, जिनके दुख और दर्द को बांटने का काम क्या होगा। राजनीतिक मतभेदों के बीच मीसा भारती रामकृपाल यादव को अपना चाचा मानती हैं और रामकृपाल यादव भी मीसा को अपनी भतीजी बताते हैं। इस बार पाटलिपुत्र में मीसा भारती और उनके चाचा लगातार तीसरी बार चुनाव मैदान में हैं। एक तरफ जहां रामकृपाल लालू पर परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं, तो मीसा इस विषय पर अपने प्रतिद्वंद्वी पर पलटवार करते नजर आ रही हैं। रामकृपाल जी या इस बिहार राज्य के सब लोग अच्छे से जानते हैं कि हम लोग जनता की सेवा करते आए हैं। आप यहाँ पूछ लीजिए, ये महिला हमारे 2 बार वहाँ रहे पाटलिपुत्र क्षेत्र में। एक जो मूलभूत सुविधा जो कहते हैं पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है और जनता के बीच में, और सबसे बड़ी बात है कि भाजपा के यहाँ पे बताइए 40 लोकसभा सीटें हैं बिहार में और उसमें से 39 सीटें जिता के भेजती है। एक भी सांसद ना तो वो अपने चेहरे पे चुनाव लड़ता है ना अपने काम के बल पे चुनाव लड़ता है। दोनों उम्मीदवारों द्वारा जीत के दावे के बीच स्थानीय जनता की बात करें तो उनकी अपनी समस्या है जिसका वो समाधान चाहते हैं। खास करके सबसे बड़ी युवाओं में, शिक्षा में, रोड, बच्चों को पढ़ाई की सुविधा, आवागमन की सुविधा, पूरे पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र में रामकृपाल जी ने बहुत बड़ा योगदान दिया 10 सालों में। सबसे बड़ा समस्या पाटलिपुत्रा में हम लोग आए हैं कि इतना जाम का समस्या है और हमारे जनप्रतिनिधि आज 10 साल से सिर्फ घूमने का काम की। बात करें पाटलिपुत्र लोकसभा के सियासी गणित की तो इस सीट के अंतर्गत 6 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें दानापुर, मनेर, फुलवारी, मसौढ़ी, पालीगंज और विक्रम शामिल हैं। वहीं सीट से जुड़े लोकसभा इतिहास को देखें तो 2009 के आम चुनाव में JDU के रंजन प्रसाद यादव यहां से सांसद चुने गए थे। वहीं इसके बाद 2014 और 2019 में भाजपा के रामकृपाल यादव ने जीत हासिल की थी।
अब इस चुनाव में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या राम कृपाल यादव पाटलिपुत्र में हैट्रिक जमा पाएंगे या फिर उनकी भतीजी मीसा भारती बड़ा उलटफेर करने में कामयाब होंगी। यहाँ चाचा और भतीजी की लड़ाई जबरदस्त है। एक तरफ चाचा यानी राम कृपाल यादव मतदाताओं से अपने 10 सालों में किए गए विकास कार्यों का हवाला देकर लोगों से वोट मांग रहे हैं, तो दूसरी ओर भतीजी यानी मीसा भारती चचा के विकास कार्यों को सिरे से नकार रही है। अब 1 तारीख को परीक्षा होगा और 4 तारीख को परीक्षा फल किसके पक्ष में जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन ललित के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज पाटलिपुत्र। और बिहार के बाद सीधे अब बात करते हैं कश्मीर घाटी की, जहां इस बार हुए अच्छे मतदान के बाद छठे चरण में होने वाले अनंतनाग राजौरी लोकसभा चुनाव के लिए आयोग ने स्वीप अभियान के जरिए इलाके के लोगों से ज्यादा मतदान करने की अपील की है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता ऋषि कुमार की ये बेहद खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी लोकसभा क्षेत्र में 25 मई को मतदान होना है और मतदान के महत्व को समझाने के लिए चुनाव आयोग के द्वारा अहरबल पर्यटक इलाके में स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्कूली छात्रों, एनसीसी कैडेट और पर्यटकों को घुड़सवारी करवाने वाले घुड़सवारों ने कार्यक्रम में भाग लिया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पीके पॉल ने कहा कि हम ज्यादा से ज्यादा मतदान कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं और इसके लिए मतदाताओं को हम हर सुविधा मुहैया कराएंगे। 25 तारीख को सबसे पहला कोई ऐसा काम करना है तो वोट करना है। वोट की अहमियत आपके ही सामने, यहाँ के जो नौजवान और जो आर्टिस्ट थे उन्होंने वोट की अहमियत आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बताई है। अपेक्षा करता हूं कि जैसा टर्नआउट वोटर परसेंटेज दूसरे जिले में रहा है, कहीं उससे ज्यादा अच्छा टर्नआउट कुलगाम में भी होगा। वहीं पहली बार वोट डालने के लिए तैयार युवा मतदाताओं ने अनोखे तरीके से अपनी कला के जरिए पूरे उत्साह के साथ कश्मीर घाटी में मतदान की अपील की। अहरबल घाटी में दिव्यांग मतदाता और लोक कलाकार एजाज अहमद ने भी अपने गीत के जरिए वोट का महत्व बताया। अहरबल एक पर्यटक इलाका है जो कि बर्फ से घिरी घाटी के कारण काफी मनमोहक दिखता है। मतदाता जागरूकता अभियान में घाटी और आसपास के ग्रामीणों ने संस्कृति और कला के माध्यम से मनमोहन तरीके से अपना प्रदर्शन भी किया और ज्यादा से ज्यादा मतदान की अपील की। आपस में जोर आजमाइश करते हुए ये युवा पहली बार वोट डालेंगे और इस वोट की ये ताकत है कि वो अपनी ऐसी नुमाइंदगी संसद में पहुंचाएंगे जो इनके लिए काम करें। निश्चित तौर से जो ये काम मतदान का यहाँ पर ये करने वाले हैं, इनके बीच जो उत्साह है वो इनकी टग ऑफ वार में भी दिख रहा है। ये हर हाल में लड़ने के लिए और जूझने के लिए तैयार है और भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए तैयार है। कैमरामैन अनिकेत के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज अहरबल। और 24 की चुनौती में फिलहाल इतना ही। शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार हुई भारत राष्ट्र समिति के नेता के कविता की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। 10 मई को हुई पिछली सुनवाई में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।
इससे पहले 6 मई को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थी। इसके बाद के कविता ने राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी। ईडी ने के कविता को 15 मार्च को हैदराबाद के बंजारा हिल स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया। के कविता 3 जून तक न्यायिक हिरासत में है। बात करते हैं उत्तर भारत की, जिसके अधिकांश राज्यों की अगर बात करें तो वहां झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही है। राजस्थान में भीषण गर्मी से हाहाकार मचा हुआ है। 4 जिलों बाड़मेर, बालातोरा, जालौर और भीलवाड़ा में भीषण गर्मी ने 8 लोगों की जान ली। राज्य के सरकारी अस्पतालों के सभी डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। बाड़मेर में तापमान लगातार दूसरे दिन 48 डिग्री सेल्सियस है। यहां तापमान 48.8 पहुंच गया और राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में अगले 3 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी, हरियाणा और पंजाब के कई शहरों में भी पारा 45-46 डिग्री के पार हुआ। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन भयंकर लू की चेतावनी जारी की। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में अगले 5 दिन ऐसे ही हालात रहेंगे। इन राज्यों में भी लू का रेड अलर्ट जारी किया गया है। चुनावी जोश और शोर शराबे के बीच हम अक्सर इस आज़ादी की कीमत को भूल जाते हैं, जिसकी इबारत लिखी गई है शहीदों के खून से। देखिए मिदनापुर से हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो की शहीद खुदीराम बोस पर ये खास रिपोर्ट। मिदनापुर की तंग गलियों में आज भी गर्व से ऊंची खड़ी है खुदीराम बोस की ये मूर्त। खुदीराम बोस जिन्हें सबसे युवा शहीद होने का खिताब हासिल है और ये स्मारक आज भी खुदीराम की यादों के साथ ब्रिटिश राज के खिलाफ बंगाल के इनकलाब को सहजे हुए है। 1905 में बंगाल के विभाजन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में चिंगारी लगा दी और बंगाल में ये आग की तरह फैल गई। इसका विरोध करते हुए रविंद्रनाथ टैगोर ने राखी का त्यौहार मनाया और इसके लिए मिदनापुर के बगल से बहने वाली कंसावती नदी में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोगों ने पहले स्नान किया और फिर एक दूसरे को राखी बांधी। अंग्रेजों के खिलाफ बंगाल में चल रही आंदोलन की आंधी ने युवा खुदीराम को इस कदर झकझोर कर रख दिया कि उन्होंने कॉलेज जाने की उम्र में किताबें छोड़कर बम उठा लिया और इस काम में उन्हें रास्ता दिखाया हेमचंद कानूनगो ने। खुदीराम का फांसी का वर्णन इधर है, 11 अगस्त, जिसका बम का फॉर्मूला में वो बम बनाया, उनका नाम था हेमचंद्र कानूनगो। ही वॉज द एमिनेंट लीडर एट दैट टाइम। टेक्नोलॉजी दिया कैसे बम बनाता है, वो उसी का टेक्नोलॉजी में वो बम बनाया था जो खुदीराम ने छोड़ा। 11 अगस्त 1908 को मुजफ्फरपुर कांड में शामिल होने के जुर्म में खुदीराम हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। शहादत के वक्त खुदीराम की उम्र थी महज 18 साल। खुदीराम की शहादत ने पूरे बंगाल में आग लगा दी और तब क्रांतिकारी ज्ञानेंद्रनाथ और सत्यनाथ बोस ने फैसला किया कि अगर अंग्रेजों की संगीनों का मुकाबला करना है तो युवाओं को शारीरिक रूप से तगड़ा होना होगा। यहाँ लिखा हुआ है कि ज्ञानेंद्रनाथ बोसु और सत्यनाथ बोसु जो फ्रीडम फाइटर्स था, वो बंगाली फ्रीडम फाइटर्स, वो मिदनापुर में कई जगहों में वो जो इंडिपेंडेंस के लड़ाई करने के लिए जो फिजिकल एक्सरसाइज करने के लिए व्यायामशाला बनाया गया था वो इसी के नेतृत्व में हुआ था। अंग्रेजी शासन से लोहा लेने के लिए मिदनापुर ने हथियार उठा लिए। क्रूरता का बदला खून, इसी चेतावनी के साथ एक एक करके 3 गोरे मजिस्ट्रेटों की हत्या कर दी गई, जिसे आज भी 84 साल के कुमारेश बड़े गर्व से बताते हैं। एक मजिस्ट्रेट की हत्या में खुद उनके पिता भी शामिल थे। खुदीराम द फर्स्ट मर्टर ऑफ इंडिया वाज बोर्न हियर इन आवर टाउन एंड हिज बर्थ प्लेस वाज हबीबपुर। So, we will vote for a person whoever promises all these things, which was also Khudiram's dream. स्मारक की इन दीवारों पर बंगाल पर अंग्रेजों के अत्याचार, 1942 का अकाल और उस उपनिवेशी यातना की आग में जलकर कुंदन हुआ मिदनापुर का बलिदान 20 फ्रेमों में बखूबी दर्ज है। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य शामलम मातरम वंदे मातरम। बंकिम चटर्जी के इसी गीत ने पूरे भारत को एकजुट खड़ा कर दिया अंग्रेजों के खिलाफ।
आज मैं और आप जो लोकतंत्र का उत्सव मना रहे हैं वो खुदीराम बोस जैसे शहीदों की शहादत के ऊपर है जिन्होंने भरी जवानी में मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। कैमरामैन पीयूष के साथ मैं विशाल बैरिस्टू, डीडी न्यूज मिदनापुर। और फिलहाल समाचारों में इतना ही, आगे आप देख सकते हैं हमारी खास पेशकश नया सवेरा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।